नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज माता वैष्णो देवी के दरबार से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा और कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को दुनिया की अब कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती। प्रधानमंत्री मोदी को आज ये बड़ा बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन की सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 वापस जाएगा और पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश भी होगी। इसके बाद आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सोच बिल्कुल एक जैसी है और एक साथ है, लेकिन एक सियासत और हो रही है, वो है चिट्ठी वाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी कि बीजेपी और एनडीए के नेता राहुल गांधी को अपशब्द कहना बंद करें और उनकी जान को खतरा है। इसके बाद आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बारी थी तो उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दो टूक जवाब दे दिया और कहा कि बीते 10 साल में कांग्रेस नेताओं ने पीएम को 110 से ज्यादा गालियां दी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी समेत पूरे ओबीसी समुदाय को गाली देकर चोर कहा है, अपमान किया है, आरक्षण और जाति के नाम पर समाज को बांटने और भड़काने का काम किया है और हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा तक बताया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहते हुए कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है कि आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान का रुख कांग्रेस एनसी के साथ है। जेएनके में कांग्रेस एनसी को सत्ता मिली तो आर्टिकल 370 वापस आ सकता है। इस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35 ए पर कांग्रेस और जेकेएनसी के समर्थन की बात कहना एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर देता है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। ये आर्टिकल 370 और 35 ए को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। सब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। जितनी देर खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी इस बात पे स्पष्ट नहीं करेगी भी, हम जो राहुल गांधी के बारे में पन्नू ने बोला है वो शब्द हम उसे निंदा करते हैं, तो उतनी देर मैं ये बात एक बार नहीं 100 बार कहूंगा और राहुल गांधी के सामने पार्लियामेंट में भी कहूंगा। राहुल गांधी, पन्नू और पाकिस्तान, ये पूरा ट्रायंगल आपके सामने आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को शिकायती चिट्ठी लिखी और कहा कि एनडीए के नेता राहुल गांधी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो आज 3 पेज की जवाबी चिट्ठी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को इतिहास, भूगोल सब याद दिलाते हुए कहा, आप राहुल के करतूतों को भूल गए या नजरअंदाज कर रहे हैं? राहुल की माता जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, अपने फेल प्रोडक्ट का बचाव करना आपकी मजबूरी है। बीते 10 साल में कांग्रेस नेताओं ने पीएम को 110 गालियां दी। राहुल गांधी ने पीएम सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली दी। राहुल गांधी आरक्षण और जाति के नाम पर समाज को भड़काते हैं, वो हिंदू को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा बताते हैं। चिट्ठी लिखी खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री चुप है। गंभीर मुद्दा है, हमारे नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भाजपा के नेता दे रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप है। तो ये धमकियां कौन दिलवा रहा है? राहुल गांधी देश को गाली दे रहे थे, उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। वो जानते हैं कि अगर मैं राहुल गांधी पर बोलूंगा तो सीताराम केसरी का फटा हुआ कुर्ता और कपड़ा देखा।
तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आर्टिकल 370 प्रेमी इकोसिस्टम का क्या विश्लेषण है, आज जरूर देखिएगा व्यूअर्स। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता मिलने पर 370 की वापसी का चुनावी वादा किया, उसके बाद इस मुद्दे पर चुप रहकर कांग्रेस ने एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 को हटाने का मौन समर्थन कर दिया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती आती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हमेशा के लिए दफन ना हो जाए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूं और मोदी को हराना चाहती हूं। पाकिस्तान ने कहा, यह महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 370 पर हमारा स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पार्टी उनके जैसा है। पाकिस्तान के ऐलान पर राहुल गांधी की चुप्पी है और पीएम मोदी का प्रण है माता वैष्णो देवी के दरबार से कि दुनिया की अब कोई भी ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं करा सकती। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है, आइए इस बड़े सवाल पर जाते हैं। क्या आर्टिकल 370 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस देश के मूड के खिलाफ है और चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ सुब्राष्ट्र है राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही साथ जानी मानी लेखिका, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, नासिर लोन है प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो विवेक जी, अब तो पाकिस्तान का समर्थन भी आ गया 370 को हटाने को लेकर, उन्होंने बोला कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है वही पाकिस्तान का भी स्टैंड है, तो पाकिस्तान से ताजा समर्थन पर आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान नहीं, मैं तो कह रहा हूं बड़ी खुशी की बात है, इसका मतलब पाकिस्तान फॉर्मली कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी धाराएं सब कश्मीर पे लागू हैं और पाकिस्तान फॉर्मली कह रहा है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है साहब, जब वो कह रहे हैं 370 हटाना या लगाना या जो भी है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो वो सब सही या गलत है, दैट मीन्स दे एक्नॉलेज कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये पहली बात। दूसरी बात, किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई बिजनेस नहीं है कि वो हमारे किसी स्टेट या नेशनल इलेक्शन में कुछ भी बोले। तीसरी बात, 370 के ऊपर ये फैलाना कि साहब 370 को हटाना या लगाने से आप देशभक्त या पेट्रियोटिक साबित हो जाएंगे या 370 हटा उसके बाद ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, ये गलत नैरेटिव है। ये आप भारत आप जो बातें बोल रहे हैं ये बिल्कुल सार्वजनिक पटल पे है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कांग्रेस का ये पाकिस्तान का ताजा समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं? ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि यही हमारा स्टैंड है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का स्टैंड है, यानी अब्दुल्ला परिवार का जो स्टैंड है, अब्दुल्ला परिवार की पार्टी का जो स्टैंड है और गांधी परिवार की पार्टी का जो स्टैंड है वही पाकिस्तान का स्टैंड है, ख्वाजा आसिफ ने बोला आज। भाई अगर मैं सच बोलता हूँ और पाकिस्तान में से एक आदमी खड़ा होकर के बोलता है साहब ये आदमी सच बोल रहा है मैं इसके साथ हूँ तो बोले ना, आई मीन हाउ डज इट मैटर टू अस, हमारी पार्टियों का हमारा स्टैंड है, हम अपने इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं, हम अपने संविधान से चलते हैं, कोई फॉरेन ताकत क्या बोल रही है या क्या नहीं बोल रही है इससे हमें क्या लेना देना? अरे बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि उन्हीं फॉरेन ताकतों से राहुल गांधी बीते 5-6 दिनों के अंदर मिले, बीजेपी का यह आरोप है कि उन्हीं 5-6 दिनों के अंदर जब वो अमेरिका में जो उनका कार्यक्रम जो पब्लिक है वो 6-7 घंटे के ज्यादा का कार्यक्रम नहीं है पब्लिक, लेकिन बाकी 4.5 दिन राहुल गांधी किन-किन से मिल रहे हैं, कौन लोग हैं वो? नहीं नहीं देखिए, राहुल गांधी जिससे मिले, ये जो 60 साल के करीब कांग्रेस का और विपक्ष का जो यहाँ पे जो सत्ता रही है इस मुल्क में और इस देश को मिसेज इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दिखाई कि वो क्या उसकी स्टैंडिंग है और किस प्रकार से तोड़ा, तो पेट्रियोटिज्म कांग्रेस और इंडिया अलायंस को भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है जी, इनसे सीखने की जरूरत नहीं है, हमको ठीक है हम कर रहे हैं। लेकिन 370 जिस तरीके से हटाया गया वो गलत था, 370 जैसे हटाया गया वो गलत था, कैसा तरीका होना चाहिए था हटाने का? गौरव भाटिया आपके तरीके गलत है जी बिल्कुल, सबसे पहले एक सेकेंड गौरव भाटिया आप लोगों के तरीके गलत है ये पसंद नहीं आ रहे और इसीलिए इन तरीकों को नापसंद पाकिस्तान भी कर रहा है और तरीकों को नापसंद कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और विवेक श्रीवास्तव का लेफ्ट का दल भी कर रहा है, तरीका ठीक करिए भाई अपना आप लोग। देखिए अमी जी, मैं आपको आज बहुत सरल भाषा में समझाता हूं कि देश की चर्चा आज क्या है।
नरेंद्र मोदी जी भाजपा और देश की जनता और नागरिक भारत को मजबूत मानते हैं और आगे और मजबूत होता देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वो चाहता है भारत को कमजोर करे। और ये ऐसे ही नहीं होता है कि जो राहुल गांधी कहते हैं उनका वक्तव्य, उनकी सोच प्रतिबिंबित होती है जो पाकिस्तान के नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। दूसरी तरफ ये लोग खड़े हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, अनुच्छेद 370 जब हटा तो पूरे देश में जश्न मनाया गया। और नरेंद्र मोदी जी की ही इच्छा शक्ति थी, ये ताकत थी कि उन्होंने उसे हटा दिया। 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, छू नहीं पाई। दर्द किसको हुआ? एक पाकिस्तान को हुआ और एक हुआ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को। मेरे हाथ में देखिए एक तस्वीर है। ये तस्वीर क्या है? ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। जब अनुच्छेद 370 हटा तो उसके बाद पाकिस्तान ने, आपको याद होगा अमित जी, हम लोगों ने चर्चा करी थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक डोजियर दिया भारत के खिलाफ। और इसमें एक वक्तव्य है, वो किसका है आपको मालूम है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, जो कह रहे हैं कश्मीर में लोकतंत्र नहीं बचा है। और यही बात पाकिस्तान कहता है और भारत की जनता कहती है लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और कश्मीर हमारा एक अखंड हिस्सा है, एक इंच भूमि कोई ले नहीं सकता है। आज बड़ी बात क्या है देखिए, अभी मैं सुन रहा था लेफ्ट के प्रवक्ता कह रहे थे हमारा अंदरूनी मामला है, तो मैं पूछना चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से भी और इनसे भी, क्योंकि कांग्रेस तो भाग गई है। आप याद करिए फारूक अब्दुल्ला का एक बयान था अमीर जी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चीन की मदद लेंगे अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए। उन्होंने पाकिस्तान को ताकतवर बताया और कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अरे हम उनका बाप हैं, घुस के ठोका बालाकोट में जब उन्होंने आतंकी हमला कराया। कांग्रेस पार्टी जी जी गौरव अमीर जी और दयनीय है। आज कांग्रेस पार्टी को ये भी नहीं पता है और ना जनता को पता है कि कांग्रेस पार्टी का अनुच्छेद 370 रिस्टोर करने पे स्टैंड क्या है। वैसे तो वो आएंगे नहीं सत्ता में, लेकिन क्या वो वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे? ठीक है, मैं रुक कर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेशनल लोन का एक सेकंड, इलेक्शन तो करा नहीं पाए आप। जी जी, समय 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 की मर्यादा सब लोग रखे। नासिर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है। नासिर लोन, आपके नेता है और उमर अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि 370 पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप ही रहे, क्योंकि इस बार उनकी लड़ाई बीजेपी से है और वो इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने इसके साथ ये भी उम्मीद जताई है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को दोबारा वापस लागू करेगी। कैसे लागू करेंगे? चुनाव तो प्रदेश का है, देश का थोड़ी है। नासिर लोन जी, जी 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 जी, हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह आज जम्मू के लोग, आज लद्दाख के लोग, जो कि उस समय जब ये डिसीजन लिया गया था सेलिब्रेट कर रहे थे, और आज वो कैसे रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो असलियत समझ आ गई है कि 370 के हटाने से सिर्फ डिसएम्पावरमेंट हुई है और मुश्किलें बढ़ी है। कोई जो बीजेपी ने सफ़ेद झूठ बोले थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, जॉब्स के, वैसा कुछ हुआ नहीं, ना जम्मू में, ना लद्दाख में, ना कश्मीर में। हमें उम्मीद है इसी तरह जब हम पूरे मुल्क में ये बात समझाएंगे कि 370 से किसी को कोई नुकसान नहीं था, 370 एक धारा जो हमें हमारे पार्लियामेंट ने दी थी, ताकि जब जो है जम्मू कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट थी, जब एक हिस्सा बनी थी इंडिया का, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो स्पेशल प्रोविजन मिला था या जो हमें जो एक स्पेशल स्टेटस मिला था, ये किसी बाहर के मुल्क ने नहीं दिया था, हमारे अपने मुल्क ने दिया था, हमारे अपने पार्लियामेंट ने दिया था, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। बीजेपी ने इसको सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, मैं ये चार, मैं अब आपका समर्थन तो पाकिस्तान भी कर रहा है इस बयान का। पाकिस्तान भी तो इस बयान में आप लोगों के साथ खड़ा हो गया। उससे हमें क्या लेना देना? पाकिस्तान कुछ भी कहे, पाकिस्तान कल को कहेगा कोई मोदी जी की बात को एंडोर्स करेगा, इसका मतलब आप मोदी जी को ब्लेम करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करेंगे? अभी तो आपकी बात को लगातार एंडोर्स कर रहा है। लेट देम एंडोर्स इट, हमें उससे क्या,
हमें मैं नासिर लोन जी से बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप युवा हैं और जब आप राजनीति में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजनीति एक बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया होती है, जनमत संग्रह करने का भी, और जनमत का अर्थ केवल वोट लेना नहीं होता है, निश्चित रूप से वो मतों का संग्रह होता है। तो आप देखिए, अगर कोई एक आपका पोजिशन है जिसको पाकिस्तान एंडोर्स कर रहा है, कोई आपका स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान एंडोर्स करना है कर रहा है, और जनता जो है वो आप उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो आपको एक बार अपनी यू हैव टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, और आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात रही आपकी राजनीति में कि पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है, और आपको ये कहना पड़ रहा है कि कल अगर मोदी जी की किसी बात को पाकिस्तान एंडोर्स करे तो आप क्या करेंगे? अगर कल किसी बात को मोदी जी की किसी बात को पाकिस्तान एंडोर्स करेगा तो मोदी जी को भी अपना पोजीशन बदलना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है, ऑन रिकॉर्ड अभी ऐसी ही बात है। और आमिश जी, मैं इसके पहले कि ये डिबेट दूसरे तरीके दूसरे डायरेक्शन में डिरेल हो, क्योंकि यहां पर बहुत सारे नेता बैठे हैं जो कि अनकंफर्टेबल है इस पूरे वाक्यात से, मैं जानना चाहती हूं कि जब राहुल गांधी अमेरिका की धरती पर गए तो वहां पर इल्हान उमर से बात की उन्होंने, बड़ी अच्छी वार्ता हुई उनकी, क्या उसके मिनट्स मिल सकते हैं हमें? क्योंकि ये तो कथित रूप से एंटी नेशनल स्टैंड है, और यही इल्हान उमर जो कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर, इंडोर्स, सुनिए बात पूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इंडोर्स करती है, जो इल्हान उमर इस चीज को इंडोर्स करता है, उसी इल्हान उमर के स्टैंड को आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और जितने भी तमाम पोलिटिकल पार्टीज हैं हम उनके साथ हैं। इसमें ये प्रश्न भी बनता है आमिश देवगन जी, क्योंकि कश्मीर भारत के लिए सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है ना, विवेक हमारे लिए एक गर्व की बात है और हमारे लिए बहुत स्वाभिमान का विषय है। तो इंडियन एयरलाइंस के जो लोग बैठे हैं क्या वो कंफर्टेबल है राहुल गांधी की इल्हान उमर की मीटिंग के साथ? अच्छा ठीक, अब आप उसका एजेंडा कब क्लियर किया जाएगा? राहुल नहीं, अभी सुनिए, मेरा रैंक पूरा नहीं हुआ है अभी। राहुल आप सुन लीजिए पहले, बंद आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी एंडोर्स करने गए हैं? का बिहेवियर करते हैं आपको कैसे पता चला कि इल्हान उमर राहुल को एंडोर्स नहीं करेंगे? ये बात मीडिया से छुपी नहीं है, आपको कैसे पता चला? इसीलिए मैं अगर मीडिया में कुछ बोल रही हूँ, आपके पास मीटिंग के डिटेल्स नहीं है, आम नागरिक के एक एक करके मेरी चर्चा में सब नहीं बोल सकते, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ओके सुभाष्टा, यू मेड यू पॉइंट, सुभाष्टा यू मेड यू पॉइंट, अपनी बारी को विराम दीजिए, अब विवेक की बारी है, विवेक की बारी है, 50 सेकंड। मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहली चीज, ओके 50 सेकंड विवेक, 50 सेकंड विवेक, सुभाष्टा लिसन टू मी देन यू काउंटर मी। नंबर वन, क्या आप कहेंगी कि पाकिस्तान के साथ सारा ट्रेड हम बंद कर दें, जो अभी चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कौन कौन से बिजनेसमैन चला रहे हैं, मैं आपको लिस्ट, और उनमें से कितने बीजेपी की फंडिंग है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स इस इम्मेच्योरिटी से नहीं चलती, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये समझ नहीं आ रहा है, सुन लीजिए जवाब, Yes, we must meet everyone. The leader of opposition and my honorable prime minister. दोनों नेताओं को सबसे मिलना चाहिए, तो मैं आपकी बौद्धिक विपन्नता, मेरे प्रधानमंत्री को भी सबसे मिलना चाहिए, केवल और केवल पश्चाताप कर सकती हूं नेशनल टेलीविजन पर, वहां के लोगों को, आज हमारा इंडियन लेफ्ट जो है, वो बौद्धिक रूप से इतना विपन्न हो चुका है कि वो हाइपर, एक सेकंड एक सेकंड सुभाष, मेरे कार्यक्रम में एक दूसरे के ऊपर नहीं बोला जाता, ऑडियो डाउन करिए, अभी विवेक का 30 सेकंड ऑडियो खोल के रखिए, देन सुभाष विल कम बैक टू यू। लेकिन लेकिन विवेक, एक हम्बली मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं विवेक जी, विवेक जी, जब देखिए जो ये गुरुवंत सिंह पन्नू जब राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर देता है, जब पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का समर्थन कर रही है, तो ये सवाल नेचुरल सवाल है, देश की जनता का सवाल है, ये फिर ये पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं रह जाता फिर जी। गुरुवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का सिक्कों पर समर्थन कर दिया, क्या कहिएगा? कांग्रेस को कंडेम करना चाहिए था कि पन्नू के बयान, पन्नू राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है ऐसे इन सब चीजों से, लेकिन राहुल गांधी ने उस बात को बोला, वो भलिंदर सिंह को अमेरिका के अंदर, आप सुनिए, इस देश के अंदर सिखों को एक ही बारी पगड़ी डालने से डर हुआ, वो सन 1984 था, तब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार। सर हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद उनको मारा उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने, उन्हीं के ऑफिशियल रेजिडेंस पे, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको लगता है कि उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के वंशज खालिस्तानी हैं?
खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो लड़ाई जो मिसेस गांधी ने और कांग्रेस ने तब लड़ी, क्या उसको भूल जाएं हम? और आज लेकिन राहुल खालिस्तानी एलिमेंट तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, गुरुवंश सिंह पन्नू तो यही कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप उत्तेजित ना हो, आप उत्तेजित ना हो, एक एक सेकंड विवेक, विवेक या तो आप चाहते हैं, देखिए एक सेकंड, देखिए एक सेकंड और, देखिए ये तो एक मेरे कार्यक्रम का रूल फॉलो करिए, मैं कह रहा हूं उत्तेजित होकर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत सरल भाषा में आपसे पूछ रहा हूँ, गुरुवंश सिंह पन्नू का स्टैंड क्या है? उसका तो खालिस्तानी स्टैंड है ना, और वो तो यही कह रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। जी जी, ही सपोर्टिंग राहुल गांधी। देखिए क्या आपको दिखता नहीं है या आप देखना नहीं चाहते? हाँ तो ही नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो क्या स्टैंड सपोर्ट कर रहा है? अगर 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 राहुल गांधी एक सिख जेंटलमैन को, देखिए मुझे 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, इंडिया अलायंस की लड़ाई माइनॉरिटीज के लिए है, मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं क्या कह रहे थे, नहीं ये आप, ये आप, ये आप विवेचना कर रहे हैं, स्थिति नहीं आनी चाहिए, ये आप विवेचना कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने बोला कोट एंड कोट वो ये था कि इस देश में सिख अपनी पगड़ी नहीं डाल सकता और सिख अपना कलर नहीं डाल सकता, वो गुरुद्वारे नहीं डाल सकता, जो सरासर गलत स्टैंड है सर, जो नहीं, जो हमारा स्टैंड है इंडिया अलायंस का वो ये है कि इस देश में सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटीज, वो दिन गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव 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 भाटिया करना पड़े, गौरव भाटिया। देखिए अमित जी, पहले भारत की जनता ये समझती थी, गलतफहमी थी कि राहुल गांधी अपरिपक्व और पार्ट टाइम नेता है, गलती हो जाती है, लेकिन मैं ये कहूंगा वो शातिर है बहुत, और उनके कई बयान, और आप सुनिएगा, जो भारत विरोधी हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पहला आपने बिल्कुल सही कहा, शब्द शाह उन्होंने यही कहा था विदेशी धरती पर कि जो सिख हैं वो पगड़ी नहीं बांध सकते हैं, वो कड़ा नहीं पहन सकते हैं। मैं तो खुद पंजाबी हूं, देखिए आपका कैमरा दिखाइए, कड़ा पहना हुआ हूं, मैं तो ये जानता हूं कि 1984 के दंगे केवल काला अध्याय है, जब सिखों को बाल काटने पड़े, केश काटने पड़े, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, 3000 सिखों की जान चली गई। दूसरा बयान, सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रमाण दो, पाकिस्तान ने भी मांगा और राहुल गांधी की पार्टी ने भी मांगा, ये भारत विरोधी था और रहेगा और ये बदल नहीं सकता है। तीसरा, क्या राहुल गांधी ने अमित जी ये नहीं कहा था कि अमरीका और ब्रिटेन हस्तक्षेप करें क्योंकि भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, ये यूके में कहा था। चौथा, उन्होंने इस बार की अपनी यात्रा में एक और अनोखी बात कर दी, वो चाहते थे कुछ मुल्कों को खुश करना, कह गए आरक्षण खत्म करेंगे। अरे आरक्षण खत्म करने का किसी की हिम्मत है? नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर जी भी होते तो खत्म। बड़ा बयान, बड़ा बयान, दिल्ली बीजेपी के नेता अरविंद सिंह लवली का राहुल गांधी पर यह डायरेक्ट हमला है, पहले जाति की बात करते थे अब धर्म की बात करने लगे हैं, राहुल गांधी को के बारे में पूरे देश को सोचना होगा, पंजाब अलगाववाद से पहले भी झुलस चुका है, राहुल गांधी के बयान पर कई सिख नेता विरोध जता चुके हैं, पीएम के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी, अरविंद सिंह लवली का राहुल गांधी पर हमला है, इवन अखिलेश यादव ने मेरे इंटरव्यू में बोला आरक्षण पर राहुल गांधी का जो दिया गया बयान है उसके पहले हिस्से से मैं कतई सहमत नहीं हूं, ये अखिलेश यादव ने मेरे इंटरव्यू में बोला, यानी राहुल की ये यूएस विजिट बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक एम्बैरेसमेंट है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का, भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए अनुराग भाई, हर किसी को रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, मैं एक बिल्कुल बस एक लाइन बोल के फिर भाषा की मर्यादा पे बोलता हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारत को कमजोर करने की बात होती है, बिल्कुल सही है, भारत को कमजोर करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारत के अंदर नफरत की राजनीति करती है, भारत के समाज को बांटने की बात करती है, जो समाज को बांटेगा, जो हमें एक दूसरे से लड़ाएगा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लड़ाने की कोशिश करेगा, तो वही तो हमारे देश को कमजोर करता है, हमारे देश के कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ रहता है, क्योंकि वही ये नफरत की राजनीति इस देश के अंदर करती है। दूसरी बात, जहां तक भाषा की मर्यादा है, अरे अमीश जी आप भाषा पे तो मत ही बोलिए, भाषा की मर्यादा तो ऐसी है कि आपके यहां जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं इनकी भाषा तो ऐसी है कि इनकी भाषा सुन ले तो कोई डिबेट में ही नहीं आए। ये अभी राहुल गांधी कह, राहुल गांधी जाता है, अखिलेश यादव जी के लिए भी अनाप शनाप बोलते हैं, ये तो किसी का सम्मान ही नहीं करते, ये बीजेपी के प्रवक्ता है ना, तो बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा की मर्यादा ऐसी है कि ये अपशब्दों से ही शुरुआत करते हैं,
आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए आप। क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में ये नहीं बोलते उल्टी सीधी? क्या साइकिल के बारे में उल्टी सीधी नहीं बोलते? क्या कांग्रेस के और नेताओं के बारे में या दूसरे दलों के नेताओं के बारे में उल्टी सीधी नहीं बोलते? तो सम्मान करना जानते नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता? इनको सम्मान की भाषा कहां आती है? ये तू तड़ाक करते हैं लोगों से। और हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार ऐसा है नहीं, जिस भाषा का इस्तेमाल करती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हुए उस भाषा से, तो आप मानिए मेरा, जैसे हम लोग जब डिबेट करते हो तो ऐसा लगता है हम क्यों कर रहे हैं डिबेट, मन किस बात पे कर रहे हैं भाई? ये हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कारों वाला देश है, यहां हम कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं? ये हमें ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम भाषा की मर्यादा तो बनाए रखनी चाहिए। और कम से कम तो समाजवादी पार्टी से गए, इनको तो सीख लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी लोग वैसी भाषा की मर्यादा रखते हैं, वैसे दूसरों का सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है भाषा की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, और भाषा की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही गलत करते हैं तो नेताओं की क्या बात करें हम? क्योंकि नेता प्रवक्ता तो इनके ऐसे हैं कि इनकी भाषा की मर्यादा से तो देखो तो 30-40 सीटें जो कम हुई हैं इनकी 60-70 सीटें, अगर पहली बार इनकी भाषा की मर्यादा से ही कम हुई है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आप इंतजार कीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी को समेट देंगे। अभी तो 240 आई है ना, 60-70 ही कम हुई है। कौन समय देंगे भारतीय जनता पार्टी भाषा की रही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? एक सेकंड, जो भाषा की मर्यादा है भारतीय जनता पार्टी को कौन समेट देगा? सपा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात देखिए, ये है भाषा की मर्यादा। आप देख लीजिए, आ गए अपने उसी पे, आ गए अपने भाषा की मर्यादा पे। ये उत्तर प्रदेश की जनता देखती है, इन्होंने 33 पे पहुंचाया है इसी भाषा पे, और आने वाले दिनों में 3 पे पहुंचाएंगे। आपके डायरेक्ट हमला कि आपकी भाषा की वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई है, सपा कह रही है। देखिए ऐसा है, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तो मानता भी नहीं हूं कि टूटी साइकिल कहीं है, हमारी तो प्रतिद्वंदी भी नहीं है। सबसे ज्यादा भारत विरोधी सोच तो इन्हीं की है, ये भी सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रूफ मांगते हैं। रामगोपाल यादव का बयान बताओ, उन्होंने कहा मोदी जी ने सैनिकों को मरवा दिया अपना चुनाव जीतने के लिए, और ये प्रवक्ता महोदय जो बीच में नहीं तो हाथापाई करते हैं। अनुराग भाई लोग बीच में ना बोले, बीच में क्यों बोल रहे हैं अमित जी? अब आप नहीं रेगुलेट कर पा रहे, आप या तो उनका फेडर डाउन कर दीजिए। अभी वो इतना व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, हम सुन रहे थे। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं ये स्वयं हाथापाई करते हैं स्टूडियो में, गुंडों मवालियों की तरह बात करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आके ज्ञान देते हैं। मैं केवल इतना कहूँगा, इन्होंने एक और बात कही, राहुल गांधी जाता है कह रहा था। अरे राहुल गांधी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहता है अमित जी, सुनिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग डंडों से मारेंगे, ये राहुल गांधी का वक्तव्य है। जो बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद, वो कांग्रेस पार्टी में गलत शब्द है। इन सबको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एंडोर्स नहीं करा गौरव भाटिया, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आतंकी नंबर एक कहना ये भी तो जायज नहीं है ना गौरव भाटिया? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आतंकी नंबर एक कह सकते हैं भारत का? आप बताइए, आपकी एक और सांसद कंगना रनौत, उन्होंने भी इस बात का समर्थन कर दिया कि हाँ मैंने तो पहले बोला था इस बात को। मैं अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद जो है, नहीं आप कर ही रहे हैं अपनी बात पूरी, लेकिन प्रश्न का जवाब सबसे पहले पूरी बात। एक मिनट अमित जी, आपने देखा कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है इन बयानों से। आज मैं पूछना तो क्या बोला है आपके आपके एक नेता मारवा ने, तजिंदर सिंह मारवा ने क्या बोला है? अरे प्लीज, उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ वो राहुल गांधी का होगा। इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ था? इंदिरा गांधी का चित्र होता कि 34 गोली मारी थी इंदिरा गांधी को। क्या ये क्या करना चाहते हैं आप लोग देश के अंदर? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी अगर आपका एक नेता बोला उस पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर इमरान मसूद ने करा, कांग्रेस ने उसको भुगता, कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ, आज आपके नेता बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। गौरव भाटिया, मैं बहुत साफ गोई से बात करता हूं अपने कार्यक्रम में, जवाब दे दूं। आपके आपके तजिंदर सिंह मारवा बोल रहा है जो इंदिरा गांधी का हश्र हुआ वो राहुल गांधी का हश्र होगा? आप बात पूरी करना ही नहीं चाहते? नहीं, आपकी बात मैंने पूरी होने दी, आपकी बात मैंने पूरी होने दी, लेकिन क्या आप इस बात का सपोर्ट करते हैं? एक सेकेंड अनुराग, अब आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज सर? अब आप मेरी बात सुनेंगे? 40 सेकंड थोड़ा संयम रखें,
तब तक आप पानी पीजिए और मैं गौरव मुझे गौरव जी मुझे पानी मत पिलाइए, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मेरा आपसे निवेदन ये है आपके लिए पानी की व्यवस्था मैं वहां करवा देता हूं। अभी जी आप पानी नहीं पीते हैं, आप पानी नहीं पीते क्या? आप कहिए ना, अपनी बात कहिए, आप अपनी बात ठीक है, पानी पिलाते हैं तो आप भी पानी पिला रहे हैं, बोलू मुझे एक मिनट पिला रहे हैं, मैं अपनी बात कह लूंगा। अमीश जी पानी पिला रहे हैं, राहुल गांधी का पहला बयान, पानी पिला रहे हो अमीश जी, ये गलत बात है ना, हम पी रहे हैं ना पिला रहे हैं, मेरा निवेदन है कि मैं अपना जवाब जवाब मांग रहा हूं। ओके गौरव जी, देखिए मैं अब आपको राहुल गांधी के बयान कुछ बताना चाहता हूं। वाराणसी में चप्पल मारी है प्रधानमंत्री को और उसको सही ठहरा रहे राहुल गांधी, सड़क पर लोग डंडे मारेंगे ये राहुल गांधी ने कहा, उसके बाद चौकीदार चोर है राहुल गांधी ने कहा, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बताया ये गालियां कांग्रेस पार्टी ने दी है 110 नरेंद्र मोदी जी को, मोदी तेरी कबर खुदेगी, नीच कमीना मौत का सौदागर जहरीला सांप बिच्छू चूहा रावण भस्मासुर नालायक कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे राक्षस, गलत है ये सब बातें, कातिल हिंदू जिना जनरल डायर, ये क्या बताता है? ये बताता है राहुल गांधी के इशारे पे ये होता है, राहुल गांधी को पार्टी से कब निकालेंगे? दूसरी बात, आपने मुझसे पूछा तो मैं उत्तर दे दूं, कोई भी गलत भाषा का प्रयोग हो वो बिल्कुल अनुचित है, लेकिन जब राहुल गांधी स्वयं गाली दे नरेंद्र मोदी जी को, जब तू तड़ा करे उनका सम्मान न रखे, नहीं राहुल गांधी ने जो डंडे वाली बात बोली कि प्रधानमंत्री को डंडे से मारेंगे, मैंने उस भाषा के लिए भी बोला, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है जो तेजिंदर सिंह मारे तो पार्टी से निकाला कि नहीं निकाला, शिवसेना के विधायक ने बोला जीप काट के लाया, वो सब गलत है, वो सब भाषा गलत है, ये मेरा पॉइंट है। लेकिन लेकिन ये कैसा है नरेंद्र मोदी जी की कवर, लेकिन 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 जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, जो अमेरिका में बैठ कर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में सिखों के जो हालात है वो भी बेहद गलत है, वो विभाजनकारी है, वो जो बात है वो गलत है, क्योंकि इस देश में सिख कौम का उतना ही हक है जो किसी और का है, जो किसी हिंदू का है, नहीं तो क्या बोला राहुल गांधी ने माफी मांगी सिख समुदाय, नहीं गलत है, जवाब दे दो समुदाय से माफी मांगी, नहीं आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट वैलिड है गौरव भाटी, आई एग्री विद यू, लेकिन देखिए जवाब लेकिन तिरुपति बालाजी के प्रसाद पे बड़ा पर्दाफाश होने जा रहा है, अफसोसजनक है ये पर्दाफाश जो हम अब से कुछ देर में करेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस खबर को सुन के, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब हम इस खबर को बताएंगे आपको, लेकिन मैं रुक करता हूं विवेक एक सेकंड, अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग सिखों पर जो बयान दिया गया उसको जायज ठहराया जा सकता है क्या? देखिए राहुल गांधी ने सिखों पर जो बयान दिया, प्रधानमंत्री को डंडे मारने वाला जो बयान दिया, उनको जायज नहीं ठहराया जा सकता? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता कुछ है ही नहीं, सामने वाला गाली दे रहा है इसलिए हम भी गाली दे रहे हैं, मतलब हम उनके जैसे ही हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, जैसा कांग्रेस कर रही है वैसा मैंने किया था, तो भैया उस हसर के लिए तैयार हो जाओ, कांग्रेस के साथ जो हसर हुआ था उस हसर के लिए आप भी तैयार रहो, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो गलत है, इसके मतलब कांग्रेस गलत कर रही है, आप भी गलत कर रहे हो, बीजेपी भी गलत कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के पचिन्हों पर चल रही, अरे चुप तो कराइए, मैं तो बीच में बोला भाई, मैं कह रहा हूँ कि जो काम कांग्रेस ने किया, जो काम कांग्रेस ने गलत शब्दों में एक सेकंड एक ऑडियो खोलिए, एक कवन कर, एक सेकंड अनुराग आपके 30 सेकंड है, मेक योर पॉइंट अनुराग जी, 30 सेकंड मेक योर पॉइंट, देखिए मैंने ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला तो गलत है, इसके मतलब कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस ने गाली दी इसलिए आप गाली दे रहे हो, आपने 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 बड़ी सारी बातें बोली, अनुराग हियर मी आउट, अनुराग जी हियर मी आउट, जो राहुल गांधी ने सिखों को लेकर बयान दिया, आपके भी कुछ बेहतर सिख होंगे, आप उनसे पूछ के देखिएगा क्या वो सही बात थी, हमें तो गौरव भाटिया भी एक पंजाबी है, देखिए मैं कभी किसी पर नहीं आता, उन्होंने अपना कड़े को दिखाया, देखिए इस देश में 1984 एक ऐसा दौर था जब सिखों को अपनी पगड़ी छुपानी पड़ी, मैं सच कह रहा हूं, उन्हें अपने कड़े छुपाने पड़े, लेकिन क्या आज के दिन में वो दौर है, हम क्या कर रहे हैं राजनीति के लिए, अमेरिका में राहुल गांधी 6 दिन गए 5 दिन गए, बीजेपी एक सवाल पूछ रही है, इसका जवाब कौन देगा इस मंच पे बैठा हुआ, विवेक श्रीवास्तव आप दे दीजिए, 6 दिन थे, 7 घंटे का प्रोग्राम सार्वजनिक है, बाकी 5.5 दिन राहुल गांधी किससे मिल रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए, 5.5 दिन किससे मिल रहे हैं, और कौन उनको गाइड कर रहा है कि ये सब बयान दो, जवाब तो ले लीजिए,
नहीं देखिए कोई आप किसी को गाइड नहीं कर रहा है, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कोई, बोलिए विवेक। नहीं नहीं कोई गाइडेंस नहीं कर रहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को, नोबडी गाइड्स अस। हमारा अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हमारा राहुल का बयान जायज था, एक मॉडल है जिसपे हिंदुस्तान को। देखिए राहुल का बयान मिसअंडरस्टूड था, हम देखिए मैं बार बार आपको वही बात कह रहा हूं, ये कहना और घोषणा कर देना कि साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ये सारे बड़े नेता ये सब देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानियों से मिल लिए, जनरलाइज ऑफ कमेंट है, मैं मेरिट ऑफ द स्टेटमेंट पे आ रहा हूं। ये आई थिंक विवेक विवेक यू आर अ वेरी लर्नड स्पोक्सपर्सन, अनुराग इज आल्सो वेरी, आप लोग जिस तरह से सवाल को अवॉइड कर रहे हैं ये बता रहा है कि कितनी कमजोर विकेट पे हैं आप। माफ करिए इस बात के लिए, ओके क्लेरिफिकेशन, उस बयान को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो सही रिप्रेजेंटेशन क्या है उस बयान का? उस बयान को पढ़िए और उसका विश्लेषण करिए जरा 30 सेकंड के लिए मेरे दर्शकों के लिए। आप राहुल जी के बयान को पढ़िए और उसका 30 सेकंड के लिए विश्लेशन करिए। सुभराष्ट्रा यू 30 सेकंड्स, सुभराष्ट्रा को मैं टाइम दे रहा हूँ। विवेक आमिर जी, दो तीन बातें हैं। जब इस देश में 2024 का जनादेश आया तो ये क्लियर था कि जनता, भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज के साथ साथ एक अच्छे अल्टरनेटिव की तलाश भी कर रही है। मुझे लगता है इस चीज से अगर कोई फिर भी कोई सीखा तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही सीख रही है, क्योंकि जो एक इंटरनल डायलॉग होना चाहिए उस डायलॉग में तो विपक्ष के नेता या विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा। आप देखिए क्या होता है, मैं बहुत पॉइंटेड, आपने तो 5-5.5 दिन के एजेंडा की बात की, मैं सिर्फ एक मीटिंग के एजेंडा की बात कर रही हूं। किस हैसियत से राहुल गांधी इल्हान उमर के साथ बैठे, कश्मीर को लेकर इल्हान उमर का जो स्टैंड है इस पर अगर राहुल गांधी अपनी बात सार्वजनिक न भी कहना चाहे तो क्या इंडी अलायंस एक प्रपत्र के द्वारा अपना स्टैंड क्लियर कर सकता है? क्योंकि क्योंकि आमिश जी ऐसी तमाम बातें हैं जो सिर्फ यूएस विजिट, फिर विवेक जी आप प्लीज बीच में मत बोला कीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलती, मैं विनम्रता से कह रही हूँ। दो तीन मुद्दे हैं जिन पे मुझे आप मुझे जानना है, क्योंकि हो सकता है मैं आपको वोट करना चाहूँ पर आपका एजेंडा क्लियर नहीं है। मैं नहीं जानती कि राहुल गांधी एंटी नेशनल हमारा एजेंडा, बहुत बड़ी खबर, नहीं जानती कि बहुत बड़ी खबर, वैसे ही उनके तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर बहुत बड़ी खबर, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के की खबर मिली है और उस खबर की अब पुष्टि हो गई है। तिरुपति के लड्डू में मछली के तेल की पुष्टि हुई है, जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है, लड्डू का प्रसाद भगवान को भी चढ़ाया जाता था, यह बेहद अफसोसजनक बात है। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसकी पुष्टि कर दी अब से कुछ देर पहले। तिरुपति बालाजी जहां और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसकी तरफ इशारा किया था, मिलावट का मामला जगमोहन सरकार के द्वारा चलाया गया था। 2019 से 24 के बीच में यह सब कुछ होता रहा। बीजेपी की तरफ से पहला स्टेटमेंट आया है अमित मालवीय का कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो यही सब होता रहेगा। गौरव भाटिया, ये अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा है। तिरुपति बालाजी आराधना का केंद्र है, देश की नहीं विदेश की भी आराधना का केंद्र है, वहां के प्रसाद में इतनी बड़ी मिलावट। देखिए अमीर जी, बिल्कुल बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हिंदुओं की आस्था जो है उसे तार तार किया जा रहा है। तभी जब हम लोग कहते हैं कि हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा, तो ये लोग तो आपत्ति दर्ज करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे इंडी अलायंस के घटक दल हो, हिंदुओं की भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना इन्हें आता नहीं है। ये केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। और ये जो आप खुलासा कर रहे हैं, आप सोचिए करोड़ों करोड़ों अनुयायी जो वहाँ श्रद्धा से गए होंगे, जिन्होंने प्रसाद लिया होगा और प्रसाद खाया होगा, किस तरह से उनकी भावनाओं को तार तार किया है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये अफसोसजनक है, हमारी आस्था को इससे बड़ी ठेस नहीं पहुंच सकती। बीजेपी कह रही है कि अगर हिंदू एक नहीं होगा तो ये सब कुछ अब आगे भी होता रहेगा। तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर ये बहुत बड़ा खुलासा है। मैंने फिर बोला ये खुलासा अफसोसजनक है, क्योंकि तिरुपति बालाजी में मेरी भी अटूट अटूट आस्था है, लेकिन इस तरह से होगा ये शायद ये सपने में भी कोई सोच नहीं सकता। तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद का लड्डू तिरुपति बालाजी भगवान को चढ़ाया जाता है, वो प्रसाद में
जानवर की चर्बी, मछली का तेल शामिल है, ये वाकई अपवित्र है, ये पाप है, ये पाप है, और इसी पाप को कौन कर रहा था, यह सार्वजनिक अब हो जाना चाहिए। और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसकी तरफ इशारा किया था, लेकिन अब पुष्टि हो गई है, यह अफसोसजनक है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है। अनुराग भदौरिया, जब बोला था योगी आदित्यनाथ ने हिंदू बटेगा तो कटेगा, तो आपने बोला था गलत है, अब बीजेपी कह रही है कि अगर हिंदू बटेगा तो यही सब होगा। देखिए, हिंदू बटेगा कटेगा ये तो शब्द एकदम खराब है, आप इस बात को मानते हो? बटेगा कटेगा क्या होता है इस देश के अंदर में? अगर अगर वहां पे लड्डू में इस तरह की मिलावट पाई गई है तो कौन है, क्या कौन कमेटी है, कौन उसका चेयरमैन है, कौन अध्यक्ष है, उस पर इंक्वायरी हो, उस पर कार्रवाई हो। बटेगा कटेगा कहां से आ गया? मैंने हर जगह नफरत ही फेंक देनी है क्या उठा के? अगर जिसने गलती की उसको सजा दीजिए। ये सजा, जो व्यक्ति ने ऐसे काम किया वो सजा का पात्र है, उसने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन नहीं, गलती नहीं, नहीं, जो भी मैंने जो ब्लंडर किया जो भी नहीं है सर, वो सजा प्रसाद में मिलावट है, राजनीतिक रोटी है, प्रसाद में जानवर की चर्बी है। अरे बिल्कुल, प्रसाद में मिलावट करने वाला कोई तो होगा, जो भी नहीं कोई तो होगा, कोई तो वहां पे होगा ना, कोई गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, कोई तो जो भी है उसमें गौरव भाटिया वांट्स टू रिबट, शुभराष्ट्रा वांट्स टू मेक अ पॉइंट। आस्था है, मैं आपको बता रहा हूँ, अटूट आस्था है लोगों की तिरुपति बालाजी में। लोग अपनी क्यों नहीं भारतीय मुरादे पूरी करने के लिए जाते हैं? जब चंद्रबाबू नायडू ने डिमांड किया था तो क्यों नहीं कार्रवाई कर दी थी? कार्रवाई करनी थी। ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, एक सेकंड अनुराग, इट इज अ वेरी सीरियस इशू। गौरव अभी जी, केवल 4 मिनट की इस विषय पे डिबेट हुई है, एक बात जो सामने आई है उससे मैं अचंभित हूं। जो लोग सर तन से जुदा करने वालों का भी जो है साथ देते हैं, आज वो हिंदुओं के साथ तब भी नहीं खड़े होना चाहते जब भावनाएं आहत हुई हैं। और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी सरकार थी, और हम सब जानते हैं कि ये कौन सी ताकतें हैं जो हिंदुओं की आस्थाओं के साथ बार बार खेलती हैं। लेकिन सपा के प्रवक्ता के मुंह में दही जमी है, ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए। अरे एक बार तो हिंदुओं के साथ खड़े होके देखो, कब तक सर तन से जुड़ा। आप भी तिरुपति बालाजी गई होंगी, ये खबर सुनकर मैं लोगों के व्यूज देख रहा हूं, कह रहे हमारे पैरों के तले जमीन निकल गई है, ये जो खबर आप सुना रहे हैं अमीश देवगन। आमिश जी, मैं तिरुपति बालाजी गई ही नहीं हूँ, मेरी एक बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई है, मैं वो मन्नत पूरी करके आई हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं मन्नत पूरी करके आई हूँ। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देती हूँ, ये जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जो है वो एक गवर्नमेंट ट्रस्ट है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के हाथों में है। इसीलिए आप देखिए, सबसे ज्यादा जो मुखर मूवमेंट है, फ्री टेम्पल मूवमेंट, जो कि स्टेट कंट्रोल से जो मंदिरों को फ्री करने की बात है, इस पे ये जो नेता यहाँ बैठे, एक जबान कोई नहीं कहेगा, इसमें कोई भी नेता नहीं कहेगा कि हाँ हम इस ये सिर्फ बदनाम करने के लिए समर्थन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि सबको राजनीति करनी है। शांत रहिए और सुनिए विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव या अनुराग भदौरिया, आप लोग इंडिया अलायंस में है ना, बनाइए इंडिया अलायंस का एजेंडा, इसको बनाइए। मैं कह रही हूँ आपको, ये आप ये मेजोरिटेरियन भावनाओं का सम्मान होगा अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्र को प्रतिद्वंदी ना समझे। ये भक्त की पीड़ा है, जाती हूँ मैं चंदा देती हूँ, उस चंदा को मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्यों दूं? ये आंध्र प्रदेश की सरकार क्यों डिसाइड करे कि मेरा चंदा किस मद में खर्च हो रहा है? ये क्यों डिसाइड, कौन डिसाइड, क्या मदरसों के साथ ऐसा होता है, क्या मस्जिदों के साथ ऐसा होता है? ऑडियो डाउन करें प्लीज। क्यों इसमें इतनी जो नहीं बोल रहा, जिनको मैंने नहीं बोला, क्यों हो गई इतनी तिलमिलाहट? ये बहुत गलत बात है आमिश जी, बहुत गलत बात है कि जब मैं बोलती हूँ तो पीछे से टर टर करने शुरू हो जाते हैं ये लोग। मैं एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आज अगर मुसलमान मस्जिद में पैसा देता है, मदरसे में पैसा देता है, वो किसी ख्वाजा चिश्ती के यहाँ पैसे देता है, क्या उसको हक है ये जानने का कि वो पैसा कहाँ खर्च होता है? अगर है तो ये हक हिंदुओं को क्यों नहीं है? मैं अगर 51,000 का चढ़ावा कहीं चढ़ाती हूं तो मैं क्यों किसी स्टेट गवर्नमेंट को, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को दूं? आप डिसाइड कीजिए कि यह पैसा कहां खर्च होगा। मैं टैक्स भरती हूं ना, मेरे टैक्स से आप सड़क बनाइए, लेकिन मेरे दान के पैसे का क्या होगा? यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का हक है, होना चाहिए, और इसकी वकालत इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, कोई भी नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं,
कोई राजनीतिक पार्टी सामने आकर कहने को हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू है अल्टीमेटली, आप नारेबाजी कर दो हिंदू यूनाइट हो जाएंगे। और बड़ी खबर, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मछली का तेल, जानवरों की चर्बी मिली है, यह बड़ा पर्दाफाश है अपने आप में। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का पर्दाफाश हुआ है और यह वाकई बहुत दुखद खबर है। प्रसाद के लड्डू में जानवर की चर्बी की पुष्टि हो गई है, तिरुपति के लड्डू में मछली के तेल की भी पुष्टि हो गई है, इस समय की बड़ी खबर है। और आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का, और हमने इसकी और पड़ताल करी। आज मैं एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है उसी देश में हिंदुओं की आस्था के साथ बेहद घिनौना खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खबर आंध्र प्रदेश से आई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि जब राज्य में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तब भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद तैयार किया जाता था उसमें घी की बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था। अब जो रिपोर्ट आई है वो आपको हैरान और परेशान दोनों कर देगी। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को के तौर पर मिलने वाले लड्डू में मिलावट की जाती थी। प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाता था। यह प्रसाद सिर्फ जनता को ही नहीं बल्कि भगवान को भी चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया जाता। लड्डू के सैंपल की जांच से यह खुलासा होता है, यह पर्दाफाश होता है। क्या आपने कभी सोचा है या सोचा था कि तिरुपति बालाजी जैसे बड़े और प्राचीन मंदिर में इस तरह से हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी 2019 से 2024 के बीच आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार करेगी? यानी यह सब कुछ दो चार दिन नहीं, दो चार महीने नहीं, बल्कि पूरे 5 साल से ज्यादा खेल ये खेला गया। क्या इस देश में ऐसी हिमाकत किसी और धर्म के साथ की जा सकती है? जवाब है जी बिल्कुल नहीं। क्या हिंदुओं की सहिष्णुता उनकी अब कमजोरी बन गई है और इसको मान लिया जाना चाहिए? कभी कोई देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो कोई मठ और माफिया की तुलना कर देता है, लेकिन अब बहुत हुआ। तिरुपति मंदिर में जो पर्दाफाश हुआ है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी पाए जाए फिर भले वो कितने ही बड़े शक्तिशाली और बड़े औहदे पे बैठा हो, उन्हें कानून के जरिए ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसके बाद कोई ऐसा महापाप, महापाप मैं शब्द यूज कर रहा हूं, उसके बारे में सोच भी ना सके। क्योंकि ये सत्य और तथ्य है, क्योंकि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट, जानवर की चर्बी, मछली का तेल अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अमन चोपड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमन चोपड़ा, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में कभी आपने सोचा था? मेरी बहुत आस्था है, अटूट आस्था है तिरुपति बालाजी। अमीश, मैं एक चीज बस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमको शो शुरू करना है। ये रिपोर्ट मेरे पास है जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे, हमें एक बार स्क्रीन, अमीश को एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए, ये रिपोर्ट मेरे पास है अमीश। और मैं कुछ भी कहने से पहले बस एक चीज आपको उदाहरण भी, मैं रवि हमारे असाइनमेंट पर है, मैं उनसे मिलकर, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि मैं पिछले सालों साल से हर महीने मेरे लिए तिरुपति बालाजी से प्रसाद आता है। उनकी आंखों में आंसू थे, वो कह रहे थे कि मतलब ये इससे बड़ा, मतलब ये देवद्रोह है, देशद्रोह तो हमने सुना है, ये देवद्रोह हुआ है उनकी नजर में। ये अभी मैं रवि से मिलकर आ रहा, मैं अभी बस बुलेटिन के लिए आया, मैं उनसे मिला, वो उनकी वाकई मतलब उनकी स्थिति में उनसे बात जब मैं कर रहा था, आसपास सारे यही सोच रहे थे, न्यूज रूम में कोई और चर्चा इस वक्त नहीं हो रही। ये रिपोर्ट जो है ना अमीश, इसमें जो लिखा गया, मैं एक मिनट बताऊं, इसमें लार्ड भी लिखा गया, LARD, इसका मतलब है पिग फैट, LARD पिग फैट, लार्ड पिग फैट। दूसरा बीफ टेलो, बीफ की चर्बी। तीसरा फिश ऑयल। ये रिपोर्ट मतलब कुछ शब्द नहीं है। आज बुलेटिन हम करें, क्या खबर दिखाएं, क्या ना, आज कभी कभी हम लोग निशब्द हो जाते हैं, हमारे पास कुछ शब्द नहीं होते कहने के लिए। शॉकिंग, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना मतलब बटेंगे तो कटेंगे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन ये तो मतलब शिवर कर रहे हैं, आज हाथ शिवर कर रहे हैं, घबराहट हो रही है कि हमने खाया साहब, मैं नाम ले लेता हूँ, सुनील देवधर हैं बीजेपी के नेता, वो बालाजी का प्रसाद भेजते हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज मुझे भेजिएगा तिरुपति बालाजी का, वो हर बार भेजते हैं, वो अगर ये शो देख रहे होंगे वो मुझे हर बार तिरुपति बालाजी के लड्डू मैं लेता हूँ, परिवार में बांटता हूँ, सबको खिलाता हूँ,
और आज जो ये खबर मिली है, महापाप है ये, महापाप है जो हुआ है, ये पैरों तले जमीन निकलने वाली खबर है।